नाजरीन आदाब, एटीवी रेचुर में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं ये समर सीज़न यानी गर्मियों का सीज़न है। अक्सर गर्मियों में लोग अपने बच्चों को सुन्नत इब्राहिमी यानी खतना कराते हैं। इसी समर कैंप में आप बखूबी जानते हैं कि रेचुर के एक मशहूर व मारूफ सीनियर डॉक्टर डॉक्टर जनाब मोहम्मद नूर मोहम्मद साहब का आज हम उनके मकान में एक इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब से मुखातिब हूँ कि वो सुन्नत इब्राहिमी के ताल्लुक से कई ज़माने से कई सालों से वो इस खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। उसी के ताल्लुक से आज मैं उन्हें गुफ्तगू करने के लिए उनके मकान एटीवी उर्दू वाले उनके मकान पर पहुँचे हैं और मैं डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब का हमारे चैनल एटीवी उर्दू में खैर मकदम करता हूं और डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब के खिदमत हमारे बचपन के ज़माने से सुनते आ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये मौका मिला कि हम उनसे सामने बैठकर कुछ उसके बारे में मालूमात करें। सुन्नत इब्राहिमी और ये जो समर सीज़न में खतनाएँ कराए जाते हैं साहब, क्या इसको सिर्फ समर गर्मियों में ही कराना सही है या दूसरे सीज़न में भी इसे करा सकते हैं? सुन्नत इब्राहिमी का काम कभी भी साल के 12 महीने हफ्ते के 7 दिन करा सकते हैं। उमूमन साउथ इंडिया में जो है ना, इस काम को जो है ना गर्मी में जो है ना जल्दी सूखता बोलकर एक कहावत है लोगों पास, इसीलिए लोग गर्मा में कराते हैं। जबकि मैं नॉर्थ इंडिया भी जाके आता हूँ, आसाम गुवाहाटी मिजोरम सब मकामात जाके आता हूँ, तो ये लोग सर्दी में कराते हैं, वहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कराते हैं ये लोग। तो गर्मी और सर्दी से इसका कोई कनेक्शन लेन देन नहीं है। और आजकल तो इतने एक से एक चीज़ें निकले हुए हैं, यहाँ तक कि औरतों को सीजनिंग करते हैं, मर्द आदमी को बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उसको सीजन देख के नहीं करते हैं, सीजन होना बोलकर। सही बात, बस करने वाले पे मुनसर है, करने वाले की नीयत ये हो, मार्केटिंग ना करे पेशेंटों के साथ। आज जितने भी लोग रायचूर में जो स्कैनिंग जो कराते हैं, एक्सरे जो निकालते हैं, सिर्फ मामूल फिक्स रखे हुए हैं लैब वालों के साथ ये लोग। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और देखने को भी हमें मिलता है कि आप अल्लाह ताला ने आपके हाथ में बेहतरीन शिफा रखा है। आप तकरीबन ये खिदमत कितने सालों से कर रहे हैं? फ्री खिदमत के लिए जब एक गरीब औरत का वाकया मेरे सामने आया, डॉक्टर मौसूफ का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझ सकता क्योंकि वो भी एक इज्जतदार आदमी है, वो लोग दौलत के प्यार थे, दौलत को प्यार करने के इसमें थे। सिरवार की एक औरत दो बच्चों को लेकर आए खतना के लिए और उसका शोर गुजर गया था, बच्चे 6-7 साल के हुए थे। जब उसके हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ से वापस लौटी वो औरत, क्योंकि इसी बच्चे को मैं 3-3 हज़ार रुपये लेता हूँ, उससे कम नहीं लेता मैं, बोलकर वापस हो। मैं बोली वो औरत का इजहार यह रहा, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई शोर नहीं है, मतलब गुजर गया, ये 2000 रुपये जमा करने मुझे 3 साल लगे, मैं तरकारी बेच के क्या कमूँ, क्या बच्चों को पालूँ। ये ख्यालात उसके इजहार साहब जब सामने आए मेरे पास, कुटकुटाते जा रही थी, पानी का रखा हुआ था आप दस, तो वहाँ पे पानी पीते हुए जो है कुटकुटा रही थी वो शख्स जो पानी देने वाला, क्यों क्या बात है माँ, ऐसा क्यों ये कर रही, बोले तो उन्हें बोली नहीं साहब, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, खतना के काबिल हो गए, कराना है। अब मैं फलाने नाम तो जाहिर ही नहीं करूँगा डॉक्टर का, क्योंकि क्या करते हो करने से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं है, तो करने वाले ठहर मैं हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, मैं अगर है तो मैं करा के भेजता हूँ। वो बेचारा जो ना, एक तो मेरा साथी भी था, मकान पे आया, आने के बाद बोला देख भाई एक औरत के 2 बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, क्या उनको खतना करने का है, बुला लिया भाई, बोला वो साथ में जा गए थे, बुला लिया, ले लिया मेरे घर के सामने कट्टे के ऊपर बिठा दिया, दोनों बच्चों की खतना कर दिया। सिर्फ ये बच्चे को 1-1 रुपया लिया दिया, वो लेना ज़रूरी हुए मज़हब के अंदर भी, क्योंकि वही उसकी ज़कात, अगर कोई दौलतमंद अगर है तो दौलत की ज़कात, जायदाद है तो जायदाद की ज़कात है, बकरे पाले हैं धनगर की शक्ल में भी अगर है भी तो बकरों की भी ज़कात है। इसी तरह जब हम इल्म रखें उसकी एक ज़कात है, ज़कात है। फ़न में भी अगर है तो फ़न किसी को करके दो आप फ्री ऑफ कास्ट, वो भी एक ज़कात में शुमार होता हमारा। मेरी वो नीयत है क्योंकि मैं हमेशा मज़हब को सामने रख के काम कराऊँ,
انٹائر میری مکمل سروس میں بھی کوئی بھی آفیسر میرے خلاف نہ آنکھ اٹھا کے دیکھا نہ قلم چلا کے دیکھا. اور جہاں بھی مجھے جو ٹرانسفر کرے میں کبھی میرا کینسل کرو بول کر کسی آفیسر کے پاس نہیں گیا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پہ بھی سیکریٹریٹ کو کتنے سالوں سے خدمات کر رہے ہیں؟ میں یہ سروس جو ہے تقریباً جو ہے نا 55 سال ہو گئے مجھے. 55 سال ہو گئے یعنی گولڈن جبلی ہو گیا. بعد میں جب اس حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ پیسہ پیسہ بول کے مرے صاحب بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, جب حالات کو دیکھنے بعد میرا دل پورا بدل گیا. دال دو فری کیا کیا آ جائیں گے, آئرے غیرے کو کھا پی جاتے ہیں پیسے. میں بولا چلو پورے دواؤں کے ساتھ میں اپنا خرچہ برداشت کر کے میں اپنا کام کر رہا ہوں. آج تک بھی کیا پی شکل ہم کسی کے پاس سے کوئی پیسہ نہیں لیتا. اور میرا جو سسٹم ہے آج کا, کوئی بھی اگر ڈاکٹر کا بھی اگر ہے تو اس کے لیے بھی میں اس معاملے میں چیلنج کرتا ہوں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختنہ کا اصول, اسی اصول پہ میں کرتا ہوں. آج جتنے بھی لوگ جو ختنہ جو کر رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے اصول پہ نہیں ہے جو ڈاکٹر کر رہے ہیں آج کے کر رہے ہیں. حالانکہ ختنہ کا اصول ہے حشفے کے پیچھے سے خلفے کو ایک دھار سے کاٹنے کے احکام ہے. یا قینچی لیے مختلف اقسام کی چیزیں لیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنا حصہ سند کر کے بھی کاٹتے ہیں؟ نہیں میں بتا وہی اتنا سند اس لیے کرتے ہیں کہ بچہ رونا نہیں تو وہ بچے کر سکتے. کاٹنے کے احکام میں رنگ سسٹم آج کل وہ رنگ سسٹم پورا سراسر مذہب کے خلاف ہے. مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. لوگ سائنس کا دور جب ہے تو پھر نکاح کے پڑھا لیتے خاصو کو بٹھا کر کیا سے سیڑھی ڈال دے وہ پڑھ لیتے لے کر چلے جاؤ. یہ بھی ایک سیاسی دور میں جاتا نا بھائی ازواج زندگی کا خاصی چھونا بول کر کیوں بڑھتے آپ لوگ؟ اس کو بھی بتلا سکتے, اس کو کیوں نہیں بتلاتے؟ اماموں کو کیوں نہیں بتلاتے؟ وہ بھی ڈال دو کیا صرف میں پڑھتے رہتا اللہ اکبر سرا مرتی تل جو پڑھنا پڑ لیتا انہیں بھی. آپ کے حساب سے رنگ سسٹم بالکل سراسر غلط ہے. اس کے بعد ختنہ اگر رنگ سسٹم سے کرنے کے بعد بچے کے اعضا جو ہے نا جزامی کی انگلی بنتی ہے. جزامی اگر کوئی بازو بھی اگر آیا گاڑی کے اندر بھی کوئی آگے بیٹھا بولے تو ہم کو کراہت ہوتی ہے انہیں کہیں بھی بیٹھے آگ بیٹھا دیکھ شیطان بولتے ہیں. جب اتنی اس کو ہم کراہت سے دیکھتے ہیں تو ہم بچوں کو لے جا کے جو ہے نا رنگ سسٹم بھی جو کر کے لاتے ہیں پوری سراسر غلط ہے. اسلام میں تو ایک دھار سے کاٹنے کا احکام ہے. کاٹنا الگ ہے رنگ الگ ہے. تو جھٹکے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے آپ؟ منڈی مدر کر کیوں نہیں کھاتے گوشت کو؟ تو قینچی سے اس سے کاٹنا, قینچی دو دھار ہوتی ہے نہیں کاٹنا ایک ہی دھار. اور وہ بھی سامنے کی پرنی کو کٹ کرنا ختنہ نہیں ہوتی ہے. حشفے کے پیچھے سے خلفے کو کاٹنا وہ ختنہ ہوتی ہے. اور جتنے بھی لوگ جو آج کل کے جو نکلے ہوئے ہیں جو کاٹنے کے لیے جا کے آزما کر دیکھو یہ وہ بچوں کو دیکھو اور ہم جو کاٹ رہے ہیں ان بچوں کو دیکھو آپ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. آپ کے پاس اس دوران میں 55 سالوں میں ایسے کئی کریٹیکل کیسز بھی آئے ہوں گے؟ بہت ہیں کیسز میرے پاس بھائی. بھی کوئی ایک یادگار جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے ایسا کوئی خاص؟ دیکھیے بھولنا نہیں سکتے. فرسٹ میرا کیس جب آیا میرے پاس وہ ٹپیکل کیس. حالانکہ امر کھیر صاحب زندہ تھے شنکر گوڑا زندہ تھا ان دونوں کے پاس بھی میں بھی اپروچ ہوا کیا صاحب ایک کیس ایسا ہے. جب ان سے جا کے میں اپروچ آتا تو لوگ یہ بولے دیکھیے صاحب اس کو مت آپ آپریشن کرو اس کو مت کاٹو یہ میٹروپولیٹن سٹی میں جا کر ہی اس کو کرانا ضروری ہے ورنہ نہیں تو بچہ جو ہے زندگی سے ہاتھ دھو دے گا بولے. میں بولا وہ کیسا زندگی دینے اور لینے والا انہیں ہے ہم کب تک چھپ کے بیٹھیں گے اس سے زندگی جاتی جاتی بول کر. اللہ کا نام لے لیا میں اپنے جس تجربے سے تعلیمی دوران میں میرے جو آیا ہے بچے کو خوب پانی پلا لیا. پانی پلا کر ایک 1/4 لاسٹ 6 ٹیبلیٹ دیا میں اس کو کیونکہ دو زکر میں کون سا ورکنگ ہے کون سا ورکنگ نہیں کرا کیسا معلوم ہونا. جب پانی پلا کے ٹیبلیٹ دیا میں اس کو دینے کے بعد جب بچہ جب پیشاب کے لیے تیار ہوگا جب پیشاب کرا جس پائپ سے پیشاب کرا بچہ وہی اس کے کارآمدی ہے. جس میں سے پیشاب نہیں آ رہا وہ ناکارا ہے. تو جب ہم نے اس کو یہ جو ناکارا اس کو نکال دے جو کارآمد ہے اس کو اسی چھوڑ دیا. حال ہی میں واٹس ایپ پہ ایک فوٹو ویڈیو آیا تھا سر وائرل ہوا تھا جس میں دونوں اعضاء میں سے وہ پیشاب کر رہا تھا اس کے تعلق سے اس کے تعلق سے آپ جو بتا رہے ہیں اس کے لیے پھر مزید ایک اور ایک چیز ہے اس میں ہمارے پاس
एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन को हम दे देते हैं। वो इंजेक्शन देने के बाद जिसमें जो तनाव आता है वो कारामत है, जिसमें तनाव नहीं आता कारामत। तकरीबन आपके ये 55 साल दौर में आप तकरीबन आपके हाथ पर कितने खतनाएं हुई अंदाजा? अंदाजा देखिए, मिनिमम कोई साल जो है ना 50,000 से कम बच्चे नहीं होते एक साल में। साल के एक 50,000 से कम नहीं होते। तो आप अपने हफ्ते के 7 दिन बराबर होते हैं मेरे पास। तो एक घंटे में आप कम से कम कितने खतनाएं करते? 40 से 60 बच्चे तक हटाता हूँ एक घंटे में 40 से 60। और बच्चों को कपड़े पहना के भिजवाता हूँ, मैं नंगा नहीं भिजाता। और खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, ना ड्रेसिंग करता हूँ ना सूचर डालता हूँ। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये बिल्कुल गलत है मेरी निगाह में। मैं तो सब खिलाता हूँ आज भी। और बच्चों को जो चलने फिरने वाले बच्चे उनको पैदल फिराता हूँ। और यहाँ तक कि खतना करने के बाद बाद बच्चे ऊंचे कट्टों पे चढ़ के कूदते हैं कैंप की शक्ल में। जहाँ भी कैंप होते हैं, स्कूलों में जा रहे होते हैं, लोग बच्चे खतना करके बेंचों के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ से ऊपर से धन बन कूदते हैं। ये चीज़ें तक है मेरे पास। अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को भी बाद मकान जाने के बाद भी अगर कुछ खून खारिज भी अगर हुआ है, मेरा तो यही वादा है बच्चों के साथ भी, किसी डॉक्टर के दरवाजे पे खटखटाना नहीं, किसी हॉस्पिटल में बेड पे निगाह नहीं रखना। आपका इलाज आपके घरों के अंदर है। क्या है, जब खून निकलता है फ्रिज में ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी लेके नीचे खून पहले साफ किए करो काटन लेके, उसके बाद थोड़ा सा आइस का पीस वही काटन में लेके सुन्नत के नीचे रखो, 2-3 मिनट में ख़त्म। और बाद लोग ये बोलते हैं खून अगर जाने के बाद जाते हैं कुछ रास्ता पटे के डॉक्टर के पास, वो पहले का रिवाज था बिल्कुल, वो हमारे दौर का रिवाज था, जिंदा तिलिस्मा था, मीठा तेल था, ये सब उस इस्तेमाल होते थे। पानी से धोकर एक बर्फ धोने की साफ कर देना नीचे जो गंदा, देखो खून निकल के नीचे जमा हो जाता है, तो जहाँ से जो खून निकल रहा है खून तक जो ना पानी ठंडा पानी नहीं पहुँचता, इसलिए पहले सफाई कर लेना, उसके बाद वहाँ पे ठंडे पानी का फाया या नहीं तो एक थोड़ा आइस का पीस सुन्नत के नीचे रख दो, खून रुक जाता। और बाज डॉक्टर ये बोलकर बोलते हैं मुझे नहीं बोलते, कोई पेशेंट गया अचानक बाहर से, अरे इसकी रग काट दिए बोलते हैं। बिल्कुल सही होगा, इनकार नहीं मेरे को, आप नाखून निकाल रहे हैं, खून निकलता तो क्या, कौन सी रग काटे आप वहाँ पे, कौन सी रग काटे वहाँ पे आप। और एक चीज, इंसान के जिस्म में एक कुछ ऐसे मुकाम बताओ जहाँ पे रग नहीं है। मैं मानता हूँ, यानी तो मैं बताता हूँ तुम माना। खतना की कोई एक खास उम्र है क्या साहब? बिल्कुल सही सवाल है आपका। खतना करने का सही उसूल जना बच्चा 20 दिन का होना, 19 या 20 दिन। राहत तो क्या हो जाता, बच्चे के 21 दिन माँ के 40 दिन ख़त्म हो जाते हैं, दोनों की छोत छत एक साथ ख़त्म हो जाती है। ये छोत को बाद लोग मानते हैं बाद नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनका आज बता रहा हूँ, उनके घर के बच्चों की हालत देखो, दुबले पतले, ये छोत की वजह से होते हैं। आज भी यादगिर में केस है, ऐसे तो बहुत हैं जो केस मेरी निगाह में जो 11 साल की उम्र में आए मेरे पास केस, 4 बच्चे आ गए, वो बड़े बच्चे स्कूल नहीं कर रहे, छोटे बच्चों काम कर रहा है, उनको लोग रोक दिए। जब बच्चा 11 साल हुआ तो फिर मेरे पास आया केस, जाके देखा खतना के लिए। मैं बोला देखो साहब ये 3 को करता हूँ, इसको नहीं करता, मगर इसको इस वास्ते नहीं करता कि ये बच्चा बीमार है। जब ये बच्चा बीमार है, नहीं साहब हम बहुत पैदा हुए जब से आज तक बता रहे हैं, लाखों रुपये खर्च हुए हिंदुस्तान फिरा फिरे, वो चिट्ठिया रिपोर्ट सब मैं देखा। मैं बोला ये हॉस्पिटल से ये बच्चा दुरुस्त होने वाला नहीं है, इसको मुर्दास की बीमार बोलते हैं, छोत। अब इसका छोत का इलाज क्या, सिर्फ हमारे पास रायचूर में एक जगह है, कहाँ है? तहसील के पीछे जो महबूब पीर साहब बोल के थे, उनके नवाज से जो करते हैं कब्रस्तान में पी ये ठिकरी जो बनते हैं जुमेरात और इतवार, पहले तो रोजाना बैठते थे, अब वो बच्चे बूढ़े हो गए। अब तो आपके हिसाब से छोत का भी दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। खतना में जो औरतें पहले से, मैं भी जब छोटा था तो जिस तरह से शादी में सजाते दूल्हे को, उस तरह से बच्चे को सजा को रेडी कर को
खतना को ले जाके रौन मार के घोड़े नमाज पढ़ा के लाते हैं, ये सब तो इस्लाम में नहीं है ना सब, मगर ये करना सब सही है। सुनो, इबादत में शुमार है, इबादत है। इबादत खाली सिजदा करने से इबादत नहीं है, इबादत मगर कर सकते हैं, कर सकते। ये लोग ना समझ हैं, कुरान को नहीं समझे हैं भी। तो आप अल्लाह के से उम्र 20 दिन में कर सकते, उसके बाद आखिर कब तक? लास्ट 7 साल तक, 7 साल तक। कई एक लोग 9 साल 10 साल उसमें इसमें करा, बेकार हो उनको क्या तो परेशानी, परेशानी बोले बोलता हूँ। अगर वो लड़की अगर कहीं किसी को माँ बाप घर में बैठ के बोलते हैं जाके तुम खैरात देकर आओ बेटा, बोलते बच्चा है 9 साल का, वो खैरात भी उसके लिए मकरूह में आती। तो 7 साल के अंदर कराना बेहतर है, बेहतर है, क्योंकि नमाज की ताकत खुद 7 साल से है आपको, 9 साल से जबरदस्ती है। आज के दौर में 2 साल 1.5 साल के बच्चे रहते हैं मस्जिदों में, लेकर आके पहली सब में बैठते हैं, बेगम को टीवी के सामने बिठा को मोबाइल देखो आते हैं, बच्चों को या मस्जिद में लाते हैं। ये भी गलत, समझते तक नहीं लोग। हालांकि हर चीज़ के कुछ तौर तरीके हैं, बच्चे को लाने की उम्र जो है ना 9 साल से मस्जिद को ज़बरदस्ती लाओ। दो साल के बच्चे रहते ला के पहली सफों में बैठ जाते हैं, क्या माने? 15-20 दिन के बाद से लेकर 7 साल तक कराए तो बेहतर, बेहतर, क्योंकि उसके बाद हर चीज़ उसके लिए जो ना वाजिब में आ जाती। बात करें स्वाब नहीं तो नहीं बोलकर बात। तो आप 1 घंटे में तकरीबन 40 से 50 लोगों को करते हैं? बराबर करता हूँ, गिनना मेरे पास। आप 55 साल से करीब इसको खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, आपके इस दौरान में आपके कोई शागिर्द भी हैं? मेरा कहते हैं मैं इसका शागिर्द हूँ, उसका मेरे आपके भी कोई शागिर्द? बिल्कुल सही है, मैं शागिर्द के लिए बोल के तो 2-4 बच्चे आते थे सिखा दी, मैं अपनी जगह पे तसर करके उनको अच्छी तरह से ट्रीट करा, मैं ऐसा कुछ ये नहीं करा। जब वो लोग मेरे पास ही मेडिसन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जब चोरी करना शुरू कर दिए, मैं हटा दिया। और यही नवासा मेरा 2 साल का था, गदवाल जाता था मैं उस जमाने में, साइकिल पे बराबर साइकिल पे बैठ जाता था, ये भी वापिस 10-11 बजते थे रात में, कभी बराबर आता था। तो आज ये बच्चे जो ना जरा हायर एजुकेशन में कदम रखना चाह रहे हैं, कर लो कम से कम अच्छे से अच्छा पढ़ लो, फिर उसके बाद आ जाओ नाना के पीछे। तो सिर्फ आप शहर रायचूर और रियासत कर्नाटक के अलावा और कौन से स्टेटों में आप ये खिदमत को अंजाम दें? मध्य प्रदेश जाता हूँ, और आपका जो है ना आसाम, गुवाहाटी, मद्रास, सरहिंद, विजयवाड़ा, ये पूरे मकामत में जाके आता हूँ मैं। और लोग तो तारीफ होती है, एक मरतबा मानव के नौजवान बच्चे म्यूनिसपाली में जीत कर आ गए काउंसलर बनकर, वो लोग तकरीबन 1,10,000 रुपये कंट्रीब्यूशन किए बच्चे, करने के बाद मेरे पास आए खतना क्या करना, डॉक्टर साहब हम आपको भी इन्वाइट करें आप आके करना। मैं बोला कौन कौन कर रहे हैं आपके पास? तो तकरीबन 8-10 डॉक्टरों के नामा भी लिए, मुझे मत बुलाओ, साफ बोला कि मुझे मत बुलाओ, 8-10 जो डॉक्टर्स हैं आपके पास वही काफ़ी है, फिर मेरे मुझे बुलाकर क्यों बदनाम करते हैं आप? क्यों साहब पूछे? मैं बोला मेरी थेरी अलग, मेरी दवाएं अलग, वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं बेझिझक इस्तेमाल करता हूँ, और उसमें क्या मिलाता हूँ क्या नहीं वो ऊपर वाले को मालूम है। बस बच्चों को कुछ डबल डबल भी करते ना सब, उसके तालुक के पास ऐसे कई केस आए भी हैं? आते 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 कई मेरे हाथ से भी आते, पास वक्त नहीं बोल के नहीं बोलता मैं। जकर के अंदर जो है ना हशफे के ऊपर जो है ना एक बारीक पतली हवा की पानी की तरह एक परत आती है, वो परत सुगरती नहीं जल्दी, वो चिपक के रह जाती। अब उसको ना आँखों को दिखाई देता ना कुछ दिखाई देता, जो दिखाई देता उसको फॉर्सेप में लेके हम उसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद हवा जब लगेंगी उसको, वो जो बारीक पतली पर जो उसके ऊपर है ना वो सुखड़ कर पीछे जाती है, जाको फिर चमड़े को जो है ना जिल तो जो है ना खींच के सामने लाती है। होती है चीज़ें, सभी को नहीं आती, तकरीबन 1,100 में 1,000 बच्चे अच्छे आते हैं। ना करना तो सुन्नत इब्राहिमी है, हर मुसलमान ये करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसके अलावा साइंसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से खतना करने से क्या क्या फ़ायदे हैं सर, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डाल? रोशनी तो डाल सकता हूँ नहीं बोल के नहीं, बहुत बड़े फ़ायदे आज मेरे पास हर वो कौम के करार है।
देखिए, इसके लिए चार्ज प्राइवेट तौर पे अगर मैं कहीं जाके अगर कर रहा हूँ, बच्चों के लिए जो है 1500 रुपये चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं जो दवा इस्तेमाल करता हूँ महंगी दवा है, और कुछ बाहर से मंगाता हूँ उससे, वो दवा क्या चाहिए मैं लेना लेता हूँ। ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से तो राज है, इसका तरीक़ा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के थ्रू बता दिया है, नहीं बताया बोलकर नहीं। आज भी उस तरीके को लोग सही तरीके बोल के जो है गलत सलत जो करते हुए, वो रिंग सिस्टम गलत है, रिंग नहीं नहीं रिंग सिस्टम भी गलत है, जो लेके जो काट रहे हैं आजकल मुख्तलिफ किस्म के लोग देख रहा हूँ मैं, नहीं हॉस्पिटल में भी बाहर भी जो काट रहे हैं पैसे के आज को, वो भी गलत सिस्टम पे, क्या काटना क्या छोड़ना नहीं मालूम। आज मैं पूछता हूँ अगर कोई काट रहे हैं तो सामने आप बैठेंगे, आप भी बैठो मैं बैठता हूँ, सिर्फ दो ही सवाल पूछता हूँ, ये बच्चा आपके सामने आए क्या काटना है क्या छोड़ना, इतना ही बोलेंगे, 1.5 फीट चेहरा भी छोड़ेंगे यही बोलेंगे, वो काटो साहब क्या काटना, वो काटो क्या काटना बताओ मुझे, मैं जाहिल हूँ, मैं आज मैं सहूलत करता हूँ लाने वालों से भी, ताकि इल्म हासिल करने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, हम बूढ़े होते इल्म नहीं होता, ताकि उनसे भी चंद मालूम मैं हासिल करना चाहता हूँ। गुवाहाटी का सिस्टम अलग था, मध्य प्रदेश का सिस्टम अलग था काटने का, वो रिंग पहले हमारे बचपन में गौलियाँ जो है ना भैंसा पानी में तालाब में जाते थे, वो जाने के लिए कानों की किस्म का फूल के निशान बनाते थे, जब किसी के गायों के साथ भैंसों के साथ भैंस चली गई, ये कान जो काटे थे एक ही नमूना का रहता था, वो कान की निशानी देख के अपनी भैंस को पकड़ को लाते थे। तो आपके बाद इस खिदमत को अंजाम देने आप ही की फैमिली में घर में कोई और भी बस है ना, ये नवासा और एक दो नवासे हैं बस, मेरी तो नहीं है यही यही बच्चों के वास्ते, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है तरक्की की तरक्की है, सवाब का सवाब है, नाम का नाम है। नाजरीन, ये थे हमारे शहर रायचूर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, जिन्होंने तकरीबन 55 सालों से सुन्नत इब्राहिम खतना के जो कैंप लगे जाते हैं सुन्नत इब्राहिम के खिदमात को अंजाम दिए। मैं तहे दिल से डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाल्लाह हम अनकरीब इस प्रोग्राम को YouTube पर और हमारे उर्दू चैनल ATV पर आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, शफ़ है। और भी इसके ताल्लुक से आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? नाजरीन, ये थे हमारे शहर रायचूर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब। नूर मोहम्मद साहब के इस महीने कई मुफ्त खतना कैंप मुनक़िद हो रहे हैं। 31 मार्च को LBS नगर आश्रय कॉलोनी चंद्रबंडा रोड पर मुफ्त खतना कैंप, 2 अप्रैल को एरमरस कैंप में, और 29वां सालाना मुफ्त खतना कैंप अरब महिला उर्दू स्कूल में मुनक़िद किया जा रहा है। डॉक्टर साहब के कोई शागिर नहीं हैं, लोगों का ये इसरार था कि डॉक्टर साहब अपना अजीम फ़न किसी को सिखाएं ताकि इनकी खिदमत हमजहत हो। चुनाचे अवाम को ये जानकर मसरत होगी कि डॉक्टर नूर मोहम्मद के नवासे मोहम्मद मसीउद्दीन और मोहम्मद अब्दुल करीम डॉक्टर साहब से फैज़ हासिल कर रहे हैं, और जल्द ही ये दोनों भी खिदमात से वाबस्ता होंगे। आज के लिए बस इतना ही।